हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग से लेके नाइट तक का सारा रूटीन। तो सुबह आज सभी लोग, वैसे माँ पापा तो जल्दी उठ जाते हैं, मैं भी आज काफ़ी जल्दी उठ गई थी। यही कोई 5:15 बजे के आसपास मेरी आँख खुल गई, तब से हम लोग बातें कर रहे थे, चाय वगैरह पी। फिर एकदम जल्दी उठ जाओ और समय काफ़ी होता है ना, तो अपने आप ही आपकी बॉडी स्लो डाउन हो जाती है और सारे काम बड़े धीरे धीरे होने लगते हैं। काफ़ी टाइम था अभी मुझे लंच बॉक्स वगैरह बनाने का, तो आराम से हमने बातचीत की, चाय पी, इधर उधर की दुनिया भर की बातें हो जाती हैं करने के लिए। तो वो सब करने के बाद अभी हम लोग अभी भी बातें ही कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हमने काम स्टार्ट कर दिया है जो कि है सब्ज़ी काटने का। तो माँ भी सब्ज़ी वगैरह काटने में मेरी हेल्प कर देती हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ जो आज सुबह सुबह, वो रहेगा इडली और सांभर बनाऊँगी, उसके साथ में भिंडी की भुजिया और जो अजवाइन वाले पराठे होते हैं वो बनाऊंगी टिफ़िन में देने के लिए। और ब्रेकफास्ट में जैसा मैंने बताया कि सांभर और इडली बनेगी, और इडली ना वो दाल चावल वाली आज ना बना करके मैं सूजी वाली जो इडली बनती है ना, बेसिक सी एकदम, वो वाली इडली बना रही हूँ। तो सबसे पहले भिंडी की भुजिया छौंक देते हैं, बिकॉज यही हस्बैंड के टिफ़िन में जाना है, तो सबसे पहले इसका काम करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे और चीज़ें मैं बनाऊँगी। सांभर के लिए यहाँ पे दाल मैं उबलने के लिए चढ़ा रही हूँ हल्दी नमक डाल करके, और यहाँ पे सारी वेजेज हैं जो हमने कट करके साफ़ करके रख ली हैं। इसमें आलू है, बीन्स है, बैंगन है और ढेर सारा घिया है। घिया की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो आधा मीडियम साइज़ का जो घिया था वो मैंने इसके अंदर यूज़ कर लिया है। दाल उबलने मैंने चढ़ा दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूजी है, लगभग 400 ग्राम सूजी है, जिसके अंदर मैंने दही डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने थोड़ी देर रखूँगी मैं इसको, 20 मिनट लगभग इसको रेस्ट पे छोड़ दूँगी ताकि सूजी बहुत अच्छे से फूल जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे मैं ना सांभर का तड़का तैयार कर रही हूँ, और इसमें मैं अपना होम मेड जो मेरा सांभर मसाला है वो डालने वाली हूँ। जब से वो मसाला मैंने बनाया ना, तब से मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ उस मसाले से, इतना बढ़िया सांभर का टेस्ट आता है। वो इंडिविजुअल अलग से मैंने वीडियो भी अपलोड किया है सांभर मसाले का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बनाइएगा भी। आप कभी बाहर से ना सांभर मसाला नहीं खरीदोगे, इतना अच्छा उसका टेस्ट आता है। अभी यहाँ पे सूजी अच्छे से फूल गई है, तो इसके अंदर नमक, थोड़ा सा सोडा मैंने डाला है, अच्छे से मिक्स किया है। और मैंने पहले भी शेयर किया था, आप लोगों को याद होगा कि सोडा के साथ में थोड़ा सा विनेगर डाल देने से आपकी जो सूजी की इडली है वो 100% 99 भी नहीं, एकदम 100% फूलती हैं। तो वही वाली ट्रिक मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। आधा छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर विनेगर एकदम लास्ट में जब मुझे इडली रखनी है तब डाला है। इवन इडली का जो पानी है वो भी उबल चुका है, तो जस्ट इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे विनेगर डालने के बाद, सांचे में लगाएंगे और इडली बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सांभर एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है। तो यही ब्रेकफास्ट था, इडली सूजी की और ये सांभर हस्बैंड खा के गए थे, और भिंडी की भुजिया और पराठा मैंने उनको ऑफिस के लिए दिया था। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद जैसे कि मैं हमेशा टी ब्रेक तो लिया ही करती थी, तो अब फिर से एक एक चाय और बनती है, थोड़ी थोड़ी पीते हैं, लेकिन आराम से थोड़ी देर बैठ के मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ, और थोड़ी फिर बातचीत, मतलब बातचीत तो हम बहुत करते हैं बातचीत हमेशा चलती रहती है, कभी कुछ टॉपिक होता है तो कभी कुछ टॉपिक होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, उसके बारे में ही डिस्कशन चल रही है। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं यहाँ पे कपड़े लगा रही हूँ। कभी कभार तो मैं उठते के साथ ही सबसे पहले कपड़े लगाने का काम करती हूँ, कभी भूल जाती हूँ या कभी थोड़े कपड़े होते हैं तो सोचती हूँ बाद में भी लग जाएंगे। अभी उतना कपड़े का टेंशन नहीं है, विंटर्स में बहुत टेंशन होता है, क्योंकि विंटर्स में ना हमें टाइम पर कपड़े धोने पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो सूखते नहीं हैं, फिर वो दो दो दिन लेके आप भटकते रहो। लेकिन समर्स में कोई टेंशन नहीं है, अगर आप रात को भी कपड़े धो के सुखा दोगे तो सुबह तक वो सूखे हुए मिलते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा रूटीन में हमेशा
हमेशा यही है कि मैं सुबह एक लॉट कपड़े ज़रूर धोती हूँ। कपड़े उधर लगाने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं बेड बनाने के लिए। बढ़िया से बेड को सेट कर दूँगी और उसके बाद फिर पूनम भी अर्ली ही आ जाती है 10 बजे के आसपास, तो फिर झाड़ू पोछा एंड ऑल वो सब कुछ हो जाता है, तो घर एकदम नीट एंड क्लीन 11 साढ़े 11 बजे तक हो जाता है। और बीच बीच में हम लोग में से कोई ना कोई जाके नहाता भी रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है पूनम आती है, उसके साथ में काम करवाती हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ, लेकिन आज मैं अपना बेड वेड लगा के और नहाने पहले ही चली गई थी। फटाफट नहा के आऊँगी, फिर वो जब आएगी 10 बजे जब आएगी तो फिर मैं उसके साथ काम करवा लूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा तो वैसे भी वही करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डस्टिंग वगैरह आप नहाने के बाद भी कर सकते हो। तो जस्ट बेड वगैरह अच्छे से सेट करके मैं नहा लेती हूँ। नहाना मेरा हो गया है और फिर थोड़ी देर बाद आ गई थी पूनम। तो जब पूनम आती है तो उसके साथ मिलके फिर पूरा किचन मुझे अच्छे से क्लीन करना होता है। मतलब वो तो अपना काम करती रहती है, दूसरी तरफ जैसे बर्तन है अरेंज करना, डिशवॉशर इस समय खाली होता है और उसके बाद फिर से हम उसको लोड करते हैं, तो जितने भी बर्तन हैं वो सारे सेट करके रखना, देन डस्टिंग या टाइल्स वगैरह पोंछना, और जो किचन की भी चीज़ों की डस्टिंग है वो सब तो मुझे ही करनी पड़ती है। तो जितनी देर वो किचन में रहती है या घर में काम करती है, मैं उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे काम करती रहती हूँ ताकि फटाफट एक ही बार में सारा काम निपट जाए। एक बार जब घर में झाड़ू लग जाए उसके बाद आप डस्टिंग कर लो तो फिर पोछा लग जाता है और एकदम घर क्लीन हो जाता है। हालांकि आजकल डस्टिंग तो दिन में 2 बार करो तब भी कम पड़ती है, बिकॉज़ खिड़की दरवाजे रहते हैं खुले, हवा चलती है और सारी डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट घर में आ रही है इस टाइम। और अभी बज रहे हैं 12, जैसा कि मैंने बताया था कि पापा इसी टाइम लगभग खाना खाते हैं 11:30-12 बजे के आसपास, तो पापा खा रहे हैं और सिद्धार्थ सेकंड टाइम खा रहा है। मतलब उसको इडली सांभर उसको भी बहुत पसंद है, तो सुबह उसने 1.5 इडली खाया था, एकदम सुबह सुबह उसका खाने का मन नहीं था, तो पापा को खाते देख उसने बोला कि मैं एक और इडली खा लेता हूँ। तो थोड़ा सा सांभर मैंने उसको कटोरी में करके दिया है एंड इडली वो खा रहा है बैठ के पापा के साथ में। और इतनी अच्छी टचवुड बॉन्डिंग है पापा की और सिद्धार्थ की, खूब दोनों बातें करते हैं, मतलब ऐसी बातें करते हैं जैसे कभी कभी लगता है सिद्धार्थ एकदम पापा के लेवल पर और पापा एकदम सिद्धार्थ के लेवल पे आकर के एकदम डिस्कशन होती है, प्लानिंग होती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, गांव की चीज़ों के बारे में सिद्धार्थ अपने ओपिनियन देता है, तो मुझे पीछे से देख करके बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके की बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हो रही थी खूब सारी दुनियादारी की बातें, पता नहीं क्या क्या, और इडली सांभर भी साथ साथ में इंजॉय किया जा रहा था। पापा को इस टाइम खाना देने के बाद फिर मैं हो जाती हूँ इधर के किचन वगैरह के काम से फ्री, और इसके बाद फिर मैं अपना यूट्यूब का काम देखती हूँ। तो 12:15-12 बजे के आसपास मैं आती हूँ यहाँ पे। पहले से भी मैं थोड़ा थोड़ा अगर मुझे समय मिलता है तो काम करके रखती हूँ या फिर रात में थोड़ी देर करके रखती हूँ, तो इस टाइम तो मेरा यही रहता है कुछ घंटे। रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, क्या बनाया बताऊँ? 4 बार लगातार घुटी डाली है। 4 बार लगातार, पहली बार सिद्धार्थ ने इतना किया, नहीं तो एक भी डालना मुश्किल हो जाता है इसके लिए। एक और के साथ खेला है, दादा के साथ। हाँ, दादा जी सिखा रहे हैं सिद्धार्थ को। सिखा नहीं रहे, आता है। ऐसा तो कैरम बोर्ड ये रखा था तो मुझे लगता था बेकार है, कोई खेलता ही नहीं है। अब लगता है कि इससे बड़ा होना चाहिए तो और मजा है, नहीं पापा? एक इससे बड़ा भी आता है ना, खूब सारी खूब बड़ा सा जो आता है उसमें बहुत मजा आएगा। अरे यार, ये रानी अंदर जाके बाहर आ गई। है दूर है यार।
रानी कहाँ जाएगी भाई। चलो पॉइंट बराबर होगी ना जाएगा। टाइम हो गया 4:15 और अब मैं लंच करने जा रही हूँ, खीरा खा रही हूँ अभी मैं, और सबने खाना खा लिया। मैंने बीच में उठ के राइस चढ़ा दिए थे, सुबह सांभर बनाया था ना, तो सांभर और राइस हो गया था, इसी हिसाब से मैंने बनाया था कि दोपहर का भी हो जाएगा। तो माँ ने खा लिया और सिद्धार्थ ने खा लिया। पापा दोपहर में नहीं खाते हैं, पापा दिन में 2 ही बार खाना खाते हैं, तो सुबह वो सबसे लास्ट में जाके नहाते हैं। तो 11, 11:30, 12 बजे के आसपास उनका फर्स्ट मील होता है और वही वो खाते हैं, वही ब्रंच हो जाता है। देन शाम को स्नैक्स लेते हैं थोड़ा सा, कुछ भी चूरा बूंदिया चाय के साथ बिस्किट ले लिया, फिर रात को डिनर होता है। तो उनका दोपहर का ऐसा नहीं रहता है। तो माँ और सिद्धार्थ ने खा लिया। आज सिद्धार्थ ने ना, मैं काफ़ी बिजी थी उधर, तो मैंने कहा बेटा दादी को खाना दे दो, तो वैसे तो माँ खुद भी लेके खा लेती हूँ, बट उसने आज ना पूरा प्रॉपर खाना थाली लगा के नमक वमक जैसे वो लेती है सब करके उनको दिया। मुझे भी बड़ा अच्छा देख के लगा और माँ को भी अच्छा लगा। तो उन्होंने, उनको भूख भी नहीं थी उस टाइम, लेकिन फिर भी उन्होंने खा लिया कि मेरा पोता दे रहा है खाना मुझे निकाल करके। तो अभी जस्ट मैं बची हुई हूँ, मैं अब लंच करने जा रही हूँ। उधर पापा और सिद्धार्थ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। आज वीडियो थोड़ी सी लेट ही हो गई, क्योंकि थोड़ा लेट बैठी भी मैं करने के लिए, और वीडियो थोड़ी लंबी ही थी ना, थोड़ा टाइम लग गया। ये है मेरा आज का लंच, सांभर राइस और ढेर सारा खीरा। चीटिंग करने में आगे रहता है, लेकिन चीटिंग करके इसको रहा नहीं जाता, तुरंत बता देता है कि क्या चीटिंग की मैंने। बारह बजे से लेकर फिर 3:30, 4:15 तक का टाइम जो है मेरा एडिटिंग और वॉइस ओवर एंड वीडियो अपलोड करने में गया। उसके बाद फिर मैंने लंच किया, मैंने आराम किया 30 मिनट के आसपास। उसके बाद अभी हो गई है शाम, और आज थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद फिर हम लोग नीचे गए थे और सिद्धार्थ ने साइकिलिंग किया और हम लोगों ने, पापा माँ और हमने थोड़ी देर वॉक भी किया। तो वो सब करके फिर आए हैं 7:15 के आसपास, फिर हम वापस आए थे और फिर मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया है खाना। आज मैं ना ढाबा स्टाइल एकदम तंदूरी स्टाइल खाना बनाने वाली हूँ, तंदूरी खाना तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ ढाबा स्टाइल खाना बना रही हूँ। मेन्यू में रहेगा आज ये प्याज की सब्ज़ी, जो कि एकदम ढाबा स्टाइल बनती है, साथ में तड़का दाल। जब भी हम लोग ढाबा का नाम लेते हैं तो उसमें दाल ना हो ऐसा नहीं हो सकता, या तो चना दाल तड़का या अरहर दाल तड़का या फिर दाल मखनी वगैरह हमेशा मेन्यू में होना चाहिए जब आप ढाबा स्टाइल कुछ बनाएं। तो मैं बनाने वाली हूँ अरहर का दाल तड़का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बड़े मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और इस तरीके से मैं मोटे मोटे करके पेटल निकाल रही हूँ इसके, मतलब एक एक पेटल अलग नहीं कर रही हूँ, 2-3 पेटल एक साथ रख रही हूँ। थोड़े सा ये मोटे मोटे रहेंगे तो सब्ज़ी बनती है, तो फिर एकदम ये घुल मिल नहीं जाते हैं। एक एक पेटल अगर हम अलग कर देंगे ना तो फिर बहुत एकदम घुली मिली सी सब्ज़ी हो जाती है, फिर उसमें प्याज ऊपर ऊपर बड़े बड़े पता नहीं चलते हैं। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया है थोड़ा सा पैन में, और जो भी हमने प्याज यहाँ पे कट करके रखे हैं इनको हम हल्का सा फ्राई करके हल्का कलर चेंज करके इनको निकाल लेंगे। प्याज यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं, बहुत अच्छा कलर आ गया इनके ऊपर, तो इनको हमने निकाल के रख लिया है। पैन के अंदर थोड़ा सा मैंने तेल बढ़ाया है, और इसके अंदर ये धनिया है, ये कुटा हुआ धनिया है, तो जो साबुत धनिया होता है उसको 2-3 टुकड़ों में आप तोड़ लीजिए, और 1 छोटा चम्मच ये धनिया हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। साथ में आपको यूज़ करना है 1 छोटा चम्मच शाही जीरा, शाह जीरा जो आता है वो यूज़ कीजिए, उससे परफेक्ट टेस्ट आता है। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे हींग, बहुत ज़्यादा तामझाम वाले इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें, बहुत इजी ये रेसिपी है। 2 तेज़पत्ता फिर हमने ऐड किया, बाकी कोई आपको खड़ा मसाला इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं जिनको पीस करके मैंने इसमें ऐड कर दिया, और हाँ तेज़पत्ता के साथ में ना 1 बड़ी इलायची इसमें डलती है, तो 1 बड़ी इलायची मैं अभी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। टमाटर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से रिड्यूस हो चुके हैं, थोड़ा शाइनी हो गए हैं, तो अभी इस स्टेज पे हम इसके अंदर ये स्प्लिट ग्रीन चिलीज़ हैं ये ऐड कर देंगे, साथ ही ऐड करेंगे थोड़े बहुत मसाले। तो बिल्कुल हल्की सी हल्दी हमने 1/4 चम्मच डाली है, 1 छोटा चम्मच से भी कम मैंने इसमें रेड चिली का पाउडर डाला है, लगभग उतना ही मैंने धनिया का पाउडर डाला है, और ये थोड़ा सा गर्म मसाला है बिल्कुल 1/2 छोटी चम्मच से भी कम वो मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और ये जो मसाला हमने डाला
गया है, इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है तो इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें बॉईल लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी थिक सी सब्ज़ी बनती है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप इसको बीच बीच में से चला सकते हैं ताकि मसाला ना जले। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी थोड़ा सा डाला है। ढाबे का खाना हो और कसूरी मेथी का इस्तेमाल ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लगभग सारे खानों में इसका इस्तेमाल किया ही जाता है जो ढाबा स्टाइल फूड बनता है। उसके बाद यहाँ पे सारा मसाला वगैरह बहुत अच्छे से भून चुका है तो मैंने इसके अंदर जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे शुरू में वो ऐड कर दिए हैं। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक आप एडजस्ट कर लीजिए और इसके बाद हम ढक करके इसको 3 से 4 मिनट पकाने वाले हैं, जब तक ये ग्रेवी और ये जो प्याज हैं ये अच्छे से पक नहीं जाते। प्याज की सब्ज़ी जब तक कुक हो रही है तब तक हम दाल तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप दाल ली है अरहर की, इसको अच्छी तरीके से 4 पानी से वॉश कर लेंगे और इसको हल्दी नमक डाल करके हम लोग उबलने चढ़ा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं प्याज की सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन है, प्याज हो चुके हैं। थोड़ा सा हरा धनिया हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे और ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप मलाई या फिर 3 टेबलस्पून आप कह सकते हैं मलाई आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो घर की मलाई है तो उसको अच्छे से फेंट के ऐड कर दीजिए या फिर ये जो पैक में मिलती है ना बाहर से खरीदी हुई ये भी आप ऐड कर सकते हैं 1/4 कप के आसपास। अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, इसमें बढ़िया सा बॉयल लगाना है और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको और हमें कुक करना है और बस ये हमारी प्याज की जो सब्जी है ये बन करके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये सब्ज़ी बहुत यमी बनती है, कभी घर पे सब्ज़ी नहीं है या गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों की कोई ऐसी सब्ज़ियाँ होती है जो हमें खाने का मन नहीं करता है, कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो इस तरीके की आप सब्ज़ी गर्मियों में बना सकते हैं। प्याज की, बेसन की, गर्मियों में ही बेसिकली ये सारी सब्ज़ियाँ ज़्यादा बनती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं। टेस्ट वाइज इसका कुछ कहना नहीं है, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए हमारी प्याज की सब्ज़ी तो हो गई है, अभी हम तैयारी करते हैं दाल के तड़के के लिए बिकॉज दाल भी उबल चुकी है। तो सबसे पहले तड़के की तैयारी करते हैं क्योंकि 2 तड़के लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है, इसके अंदर मैंने वही कुटा हुआ जो धनिया था वो ऐड कर दिया है, साथ में जो शाह जीरा है उसको ऐड किया है 1 छोटा चम्मच, दोनों मैंने डाला है। साथ ही 4 से 5 मैंने लौंग ली हैं उनको ऐड किया है, थोड़ा सा हींग डाला है और ये मीडियम साइज़ से भी छोटा साइज़ का एक प्याज था जिसको मैंने चॉप कर लिया है, यहाँ पे मैंने उसको भी ऐड किया है। अच्छी तरीके से पका के इसको ब्राउन करके हम लोग भून लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कैसा कलर हो गया। अभी हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक या तो कुटा हुआ या तो पेस्ट है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने जिंजर गार्लिक 1 चम्मच कुटा हुआ यूज़ किया है। इसको अच्छी तरीके से भून लेना है, 1-2 चम्मच पानी डालिए। इससे क्या होता है कि जो प्याज और जिंजर गार्लिक है वो बहुत अच्छे से भून करके पक भी जाता है और जलने की भी कोई चांस नहीं रहते, तो जब तक इसकी रॉ स्मेल गायब ना हो जाए तब तक आप इसको भूनिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर, तो यहाँ पे 2 टमाटर जो हैं वो मैंने कट करके रखे हैं चॉप करके, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड की हैं 2 से 3 स्प्लिट करके ग्रीन चिलीज़, बहुत टेस्टी लगती हैं, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इनसे दाल में। ढक करके सारी चीज़ों को अच्छे से पका लिया है, सारा मसाला अच्छे से पक गया है, सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, उतना ही लगभग हम इसमें रेड चिली का पाउडर ऐड करने वाले हैं, एकदम छोटा सा 2-3 चुटकी या 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर गर्म मसाला ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला करके हम लोग भून लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल। यहाँ पे आप ना पानी और नमक एडजस्ट कर सकते हैं, दाल मुझे थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी तो मैंने 1/2 कप पानी डाला है। वैसे जो ये रोटी के साथ खाने वाली तड़का दाल है ये थोड़ी गाढ़ी ही बनती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। साथ ही मैंने कसूरी मेथी इसके अंदर डाली है और थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड किए हैं, अदरक के लंबे लंबे जूलियंस मैंने कट करके रखे थे वो भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से डाल दिए हैं। अभी इसको ढक करके 1 बॉयल हमें लगाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है और बस ये हमारी दाल तड़का बन के तैयार है। तैयार नहीं है, बस एक फाइनल तड़का इस पर बाकी है। वैसे ये तैयार है, आप ऐसे भी इसको खा सकते हो, लेकिन मैं इसको एक फ्लेवर इन्हेंसर के तौर पे थोड़ा सा मैं इस पर तड़का लगाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है घी, इसके अंदर हींग डाला है।
हींग थोड़ी ज़्यादा मात्रा में करके डालिएगा। घी और हींग का ये जो तड़का है ना, बहुत स्वाद देता है खाने में। और यहाँ पे मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं, जिनको इस तरीके से छोटा छोटा कट किया है। ये लहसुन भी मैंने ऐड किया है। 2 सूखी लाल मिर्च ली हैं, ये भी मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका करके ऊपर से हम तड़का लगा देंगे। लेकिन हाँ, तड़का लगाने से पहले थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर आपको लेना है और वो डाल करके तड़का लगाना है, तो बहुत अच्छा एक और बढ़िया सा कलर ऐड ऑन हो जाता है। तो ये है हमारी दाल, बस इसके ऊपर से हम लगा देंगे एकदम गर्मा गर्म खोलता हुआ तड़का। फ्लेवर और कलर दोनों ही बहुत अच्छे हो जाएंगे इसके। दाल सब्ज़ी बना करके मैंने डाइनिंग टेबल पे पहुंचा दिया है और सैलेड के लिए प्याज वगैरह भी कर लिए हैं। अभी हमें बनाना है तंदूरी रोटी। तो जैसे मैं नॉर्मल आटे की सिंपल तंदूरी रोटी बनाती हूँ, वैसे ही बनाऊँगी। तो ये सुपर हिट कॉम्बो है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगी और बहुत बढ़िया आपका ढाबा स्टाइल फूड बन के तैयार होगा। तो इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बट चलिए फटाफट मैं अभी रोटियाँ बना लेती हूँ। आज की हमारी ढाबा स्टाइल थाली, जिसमें ढाबा स्टाइल प्याज की सब्ज़ी है, दाल तड़का है और ये तंदूरी रोटी, साथ में प्याज हरी मिर्ची, ये सब रख लीजिए और बस इंजॉय कीजिए। ऐसा ही रहता है मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन। इसमें कई बार कुछ एक्स्ट्रा काम जुड़ते रहते हैं और कई बार कुछ ऐसे काम हैं जो अवॉइड हो जाते हैं, लेकिन मोर और लेस सेम ही रूटीन रहता है। और शायद हम सभी का ऐसा ही रूटीन होता है। और इसके बाद सेम एक दो चीज़ जो सबके घर में होती है, बचे हुए खाने को आप फ्रिज में डालते हैं, कुछ दूध वगैरह जिसको लेना होता है, जैसे पापा हमेशा खाने के बाद रात को दूध पीते ही हैं तो उनको दूध देना होता है। सिद्धार्थ की मेडिसिन चल रही थी, वो सब दिया, उसको ब्रश करवाना एंड ऑल, जो नाइट के काम होते हैं वो तो सब थे ही। हम हर चीज़ तो इंक्लूड नहीं कर सकते ना। बट होपफुली आपको ये मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन, इवन रात तक का मैं कहूँगी रूटीन, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, इस तरीके की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हम सब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियोज़ बनाने का। और बस फिलहाल ये वीडियो मैं ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।